दोस्तों आप वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको सबसे बड़ी खबर बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना कैप्टन चेंज कर लिया है। जी हां, अब डेविड वार्नर की जगह केन विलियमसन सनराइजर्स हैदराबाद को लीड करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ सीजन्स में डेविड वार्नर ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी थी, रन स्कोर किए थे, ऑरेंज कैप के दावेदार रहे थे, बट सडनली एक सीजन खराब जा रहा है और उनको कैप्टनसी से हटा दिया है। खैर, इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट लाइन गुरु के मैच एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन में, जहां हाल फिलहाल हम कवर करने जा रहे हैं आईपीएल 2021 के अनदर डबल हेडर के पहले मैच को, यानी कि दोपहर 3:30 बजे से होने वाले 28th मैच को, जो खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 2nd of May को। दोस्तों दोनों ही टीम्स की करंट सिचुएशन और पोजीशन पर ध्यान दें तो सीजन के फर्स्ट हाफ का ये लास्ट मैच है, जहां राजस्थान 6 में से 2 मैचेस जीती है और 7th पोजीशन पर है, तो वहीं हैदराबाद महज एक ही मैच जीत पाई है और लास्ट पोजीशन पर विराजमान है। अब होने वाले 3 मैचेस हैदराबाद के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वो 3 में से 2 मैचेस जीतते हैं तो ही प्लेऑफ्स का रास्ता उनके लिए खुलेगा। अब ऐसे में क्या हैदराबाद राजस्थान के खिलाफ अपना सनराइज कर पाएगी, आइए सबसे पहले इनका हेड टू हेड कंपैरिजन करके देख लेते हैं। राजस्थान और हैदराबाद के बीच टोटल 13 मैचेस यहां पर खेले जा चुके हैं, जहां राजस्थान जीती है 6 बार तो सनराइजर्स हैदराबाद का 7 बार सनराइज हुआ है। मैक्सिमम स्कोर राजस्थान का रहा है 198 रन, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद का रहा है 201 रन। मिनिमम स्कोर राजस्थान का रहा है 102 रन, तो सनराइजर्स हैदराबाद का रहा है 127 रन। एवरेज स्कोर राजस्थान का रहता है 146 रन, तो एवरेज स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद का रहता है 151 रन। वेल, इनके पिछले मुकाबलों से तो यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि हैदराबाद इस मुकाबले को जीत सकती है। तो इसी के साथ आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सभी व्यूअर्स के लिए, दोस्तों इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में वो कौन सा खिलाड़ी है जो वैल्यूएबल एसेट के तौर पर सामने आएगा, अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही भाई लोग, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और आईपीएल के हर एक मैच की डिटेल्स पाते रहें। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं मैच के वेन्यू की ओर और दोस्तों ये अपकमिंग कॉन्टेस्ट खेला जाएगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, जहां इस सीजन के 2 मैचेस इस वेन्यू पर खेले गए हैं। राजस्थान और हैदराबाद दोनों ही एक एक मैच यहां पर हार चुके हैं। गौर करें पिच पर तो भाई लोग, आरआर और एसआरएच दिल्ली के इस स्टेडियम में 171 तक का टारगेट रख चुकी हैं, जहां दोनों ही मैचेस में रन चेस करने वाली टीम ने 18.3 ओवर्स में ही टारगेट अचीव करते हुए बेहद आसान जीत दर्ज करी थी। बल्लेबाजी के लिहाज से देखें तो लास्ट 2 मैचेस में यहां 5 हाफ सेंचुरीज लगाई जा चुकी हैं, तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि ट्रैक बल्लेबाजों को फेवर करता दिखा है और टॉस के मामले में कैप्टेंस नो डाउट पहले बॉलिंग करना चूज करेंगे। खैर, इस पिच पर बॉलर्स के परफॉर्मेंस की बात करें यहां पर तो दोस्तों फिलहाल गेंदबाजों को इस पिच पर कोई खास सफलता नहीं मिली है, जहां लास्ट 2 मैचेस में टोटल 13 विकेट चटकाए गए हैं। पेसर्स की झोली में गिरे हैं 8 विकेट, तो स्पिनर्स ने चटकाए हैं 5 विकेट, तो डेफिनेटली बॉलर्स को यहां पर बहुत बड़ी सफलताएं तो नहीं मिली है, बट हां, पेसर्स और स्पिनर्स दोनों ही मोर और लेस इक्वली परफॉर्म करते दिखे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और दोनों टीम्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। भाई, सबसे पहले हम अगर नजर डालें राजस्थान रॉयल्स पर तो इस करंट सीजन में टीम काफी इनकंसिस्टेंट दिखी है, जहां जॉर्ज बटलर की ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस टॉप ऑर्डर को वीक कर रही थी, बट अब बटलर की लय में आने से और यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग 11 में मौका देने के बाद रॉयल्स को बेटर स्टार्ट मिलने की उम्मीद है। साथ ही कप्तान संजू सैमसन की बात करें तो लास्ट 3 मैचेस में इन्होंने 105 रन बनाए हैं, जहां 2 बार 40 प्लस का स्कोर किया है। वेल, 4th नंबर के लिए टीम के पास मिलर और शिवम दुबे के ऑप्शंस हैं, बट बार बार एक्सपेरिमेंट कर रही राजस्थान लाइनअप सेट नहीं कर पा रही है। बात नंबर गेम की करें तो टोटल 5 मैचेस में मिलर ने 123 के स्ट्राइक रेट से 95 रन बनाए हैं, तो वहीं शिवम दुबे ने 6 मैचेस में 145 रन ठोके हैं 117 के स्ट्राइक रेट से। सो फ्रेंड्स, आपके अकॉर्डिंग 4th पोजीशन पर कौन सा बल्लेबाज बेस्ट ऑप्शन है हमें जरूर बताएं। वैसे एक्सपेरिमेंट लोअर मिडिल ऑर्डर में भी काफी किया जा रहा है, जहां रेयान पराग और राहुल तेवतिया की पोजीशन के साथ भी एक्सपेरिमेंट होते दिखे हैं। वेल, दोनों ही लोअर मिडिल ऑर्डर को संभालते दिखे हैं, जहां तेवतिया के नाम 6 मैचेस में 86 रन हैं, तो पराग के खाते में 63 रन शामिल है। अब यहां पर हमें साफ दिखाई देता है कि इनकंसिस्टेंसी के साथ साथ राजस्थान पोजिशनिंग की दूसरी बड़ी समस्या से भी गुजर रही है।
वेल, नजर डालें इनके बॉलिंग अटैक पर तो दोस्तों क्रिस मॉरिस और चेतन साकरिया दो ऐसे बॉलर्स हैं जो ओपोनेंट्स पर भारी पड़ते दिखे हैं। मॉरिस ने लास्ट 3 मैचेस में जहां 6 विकेट्स अपने नाम किए हैं तो वहीं साकरिया ने 1 विकेट चटकाया है, मगर किफायती साबित हुए हैं। वैसे देखा जाए तो दिल्ली की इस पिच पर तिवतिया और रहमान दोनों ही महंगे साबित हुए हैं और ऐसे में टीम एक्स्ट्रा स्पिनर को मौका दे सकती है। अब गौर करें दूसरी टीम सनराइजर्स हैदराबाद पर तो दोस्तों टीम मैनेजमेंट ने वार्नर को कैप्टेंसी से हटाकर केन विलियम्सन को कमान सौंप दी है। खैर, अब क्या ये डिसीजन सही है या गलत, इस बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हाल फिलहाल स्टैट्स पर फोकस करें तो टीम यूजुअली टॉप ऑर्डर पर डिपेंड होती रही है, बट इस सीजन वार्नर की इनकंसिस्टेंसी हैदराबाद पर भारी पड़ती दिखी है। 6 मैचेस में 110 के स्ट्राइक रेट से 193 रन बनाने वाले डेविड वार्नर 250 जड़ चुके हैं, बट हमें द डेविड वार्नर की झलक देखने को अभी तक नहीं मिली है। बट नाउ इट्स हाई टाइम, अगर हैदराबाद को आगे की राह आसान करनी है तो इनका फॉर्म में आना बेहद जरूरी है। लेकिन टीम का सरप्राइज यहीं तक नहीं है, उम्मीद करी जा सकती है कि टीम अपने ओवरसीज कॉम्बिनेशन में भी चेंजेस करेगी। ऑन दी अदर हैंड, जॉनी बेस्टो दमदार अंदाज में दिखे हैं जहां 141 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 6 मैचेस में 218 रन बनाए हैं। टीम में जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, मनीष पांडे की वापसी हुई है और एक बार फिर उन्होंने अपनी वर्थ प्रूव भी करी है। पांडे जी ने लास्ट मैच में चेन्नई के खिलाफ 46 बॉल में 61 रन की पारी खेली थी और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। साथ ही यहां केन विलियम्सन के रहने से टॉप ऑर्डर काफी एक्सपीरियंस्ड और स्ट्रांग नजर आता है, जहां विलियम्सन ने 3 मैचेस में 135 के स्ट्राइक रेट से 108 रन जड़े हैं। वेल, लास्ट मैच में केदार जाधव ने 4 बॉल में 12 रन की फास्ट कैमियो इनिंग्स खेली थी और ये एक पॉजिटिव साइन है फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। लोअर ऑर्डर में देखा जाए तो राशिद खान और जगदीश सुचित भी हिटिंग करने का हुनर रखते हैं, विच ब्रिंग्स डेप्थ टू देयर बैटिंग लाइनअप। वेल, यहां पर बात करें गेंदबाजी की तो भाई लोग खर्चीले साबित हो रहे भुवनेश्वर कुमार को फिलहाल बाहर रखा गया है। वैसे एज यूजुअल टीम डिपेंड करती दिखी है राशिद खान पर, जिन्होंने 6.16 की इकोनॉमी को मेंटेन करते हुए 6 मैचेस में 9 विकेट्स चटकाए हैं। इनके बाद अगर कोई सक्सेसफुल रहा है तो वो है शहबाज और खलील अहमद। वेल, सिद्धार्थ कौल और संदीप शर्मा भी डिसेंट कंट्रीब्यूशन करते दिखे हैं, बट अगर टीम को प्रेशर क्रिएट करना है तो राशिद खान के अलावा बॉलर्स को आगे बढ़ना होगा। तो इन शॉर्ट, इस एनालिसिस के कंक्लूजन पर फोकस करें तो दोनों ही टीम्स स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रही हैं। ऑन पेपर देखा जाए तो राजस्थान के पास बैटिंग लाइनअप में डेप्थ दिखती है और इनके लोअर ऑर्डर के बैट्समैन ने रन भी स्कोर किए हैं, बट वहीं हैदराबाद का टॉप ऑर्डर काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। बात करें गेंदबाजी के लिहाज से तो दोनों ही टीम्स मोर और लेस इक्वल परफॉर्म करती दिखी हैं और ऐसे में दोस्तों दोनों ही टीम्स इक्वल हैं, बट इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। आपके हिसाब से कौन ये मैच जीत सकता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करते जाएं। फिर हाजिर होंगे एक और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें क्रिकेट लाइन गुरु के साथ।